अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जेके पीएम ट्रिपल एस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज जो पोर्टल पे अपडेट हुई है उसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन आई है ये बीएससी नर्सिंग 2022-23 सेशन के बारे में आई है, जिसकी सिलेक्शन जो थी वो 12th के मार्क्स के बेस पे होती थी, लेकिन अब इस साल जो है उसको चेंज कर दिया गया है। इसको लेके जो है लास्ट ईयर से भी बात चल रही थी कि बीएससी नर्सिंग को जो है उसको नीट में जो है एमबीबीएस बीडीएस के साथ शिफ्ट करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर तो नहीं हुई। अब इस साल इन्होंने इसको प्रोफेशनल में ही रखा, लेकिन इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको चेंज कर दिया और इसकी सिलेक्शन जो है अब नीट के बेस पर हुई। तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे GGS, IP यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने नीट को जो है कंपलसरी माना है एडमिशन के लिए। तो उसी को लेके जो जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी शायद ये प्रोसेस चलेगी कि आपका जो इस साल 2022-23 का सेशन है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नीट में रजिस्टर करना पड़ेगा 2022 के नीट में। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, फर्स्ट बार है ये और ये ज़्यादा कटा भी इसमें नहीं होगा। तो आपकी सिलेक्शन जो रहेगी बाद में वो 12th के मार्क्स पे ही रहती है, लेकिन एलिजिबिलिटी के तौर पे आपको जो है नीट भी देना पड़ेगा। वो मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कैसे रहने वाला है ये प्रोसीजर। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, आप जो है थोड़ी सी नीट की तैयारी कर लो, तो ज़्यादा कोई टफ आने वाला नहीं है आपका, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप इस बारे में टेंशन मत लो कि अब हमें नीट के थ्रू सिलेक्शन होने वाली है तो एग्ज़ाम टफ होगा, सिलेक्शन टफ होगी, कुछ भी टफ नहीं होने वाला है, सब ईजी होगा। तो टेंशन बिल्कुल भी आप मत लो, आप प्रिपरेशन कर लो थोड़ी सी नीट की, तो आपको बीएससी नर्सिंग में डेफिनेटली सीट मिल जाएगी। तो अगले वीडियो जो है हम कल शाम को अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोसीजर और किस तरह से आपकी सिलेक्शन इसमें हो जाएगी।